हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे तीन अलग अलग तरह के पकोड़े। पकोड़े तो सभी बनाते हैं और बारिश में तो इनका मजा ही कुछ और होता है, लेकिन हम कुछ अलग तरह से बनाएंगे और इस तरह से आप बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करते रह जाएंगे। तो थोड़ा सा हम इन्हें अलग तरह से बनाने वाले हैं और इस तरह से आप बनाएंगे तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बहुत ही बढ़िया ये बनते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज की प्याज ली हैं, जिन्हें हम राउंड शेप में कट कर लेंगे पतले पतले पीसेस में इस तरह से। और हमने यहाँ पर सारी ही प्याज कट कर ली है। इसके बाद हम आलू यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप चाकू से कट कर लें या फिर इस तरह से जो ग्रेटर रहता है जिससे हम चिप्स वगैरह बनाते हैं उससे भी कट कर लें। इससे क्या होगा कि एक जैसे साइज में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम सैंडविच पकौड़े और लच्छे वाले पकौड़े बनाने वाले हैं। इसके लिए बनाएंगे हम चटनी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, एक चम्मच नींबू का रस लिया है और एक मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसे बारीक चॉप कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे तीन हरी मिर्ची ली थी जिन्हें मैंने कट करके डाल दिया है और दो से तीन यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं वो भी डाल देंगे। और आधा चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। और आधा चम्मच से थोड़ा कम हमने अमचूर पाउडर लिया है। और इसके बाद लास्ट में हम डालेंगे सेब, जो हमारे बेसन वाले सेब आते हैं, लौंग वाले या जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो ले सकते हैं। इससे चटनी में बहुत ही बढ़िया थिकनेस आएगी और इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम बेसन को घोलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल बेसन लिया है, इसे हम एक बाउल में डालकर घोलेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम एक परफेक्ट बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे और पकौड़े का परफेक्ट घोल तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक गिलास पानी लिया था और उसे हमने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर जो हम पकौड़े बनाएंगे उससे कोटिंग करेंगे। आधा चम्मच हमने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर ऐड किया है। और इसके बाद आधा चम्मच हमने अजवाइन ली है, तो इसे थोड़ा सा हम हथेलियों के बीच क्रश करते हुए डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 पिंच के लगभग हम हींग भी डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है पकौड़े में। और यदि आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम मिक्स कर लेंगे और इस तरह का हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। आपको थोड़ा ज़्यादा थिक लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगे जब तक हम सारी तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी चटनी बनके तैयार है और जो हम यहाँ पर सैंडविच पकोड़े बनाने वाले हैं, तो हम एक प्याज लेंगे इस तरह से जो कट की है हमने राउंड में और उस पर इस तरह से हम चटनी लगा देंगे। तो इस तरह के पकौड़े बनाएंगे तो इसमें चटनी हमें अलग से भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया आएगा और ये अलग तरह के पकोड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो सारे ही हम इस तरह से एक के बाद एक चटनी लगाकर तैयार कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने आलू लिए थे तो उन्हें भी हम इस तरह से जो हमने प्याज तैयार की थी चटनी बनाकर वो रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे ही सैंडविच बनके तैयार हो गए हैं और इस तरह के सैंडविच पकोड़े बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो एक बार आप ज़रूर बनाएं। तो सारे ही हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें जो बेसन लिया था उसमें कोट करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे आधा चम्मच के लगभग, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और इस तरह से हमें इन्हें कोट करना है और एक स्पून की मदद से हम इन्हें कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल चेक कर लेना है एक बार। तो ऑयल अभी अच्छा गर्म नहीं हुआ है, ऑयल हमें मीडियम गर्म चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं हो और कम भी ना हो। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे और गैस को लो मीडियम रखेंगे। तो इस तरह की हमें कढ़ाई को गर्म करना है। इसमें एक के बाद एक सारे ही पकोड़े डाल देंगे और इन्हें भी पलटना नहीं है, थोड़े सी ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसके बाद हम इन्हें पलट लेंगे।
तो यहाँ पर इनका बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और हम यहाँ पर आलू से पकौड़े बना रहे हैं तो उन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो गैस को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी बन के तैयार हो हमारे पकौड़े। यदि हम गैस को तेज कर देंगे तो यहाँ पर पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और आलू भी नहीं पकेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इन्हें हम पलट पलट कर दोनों ही साइड से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फ्राई हो गए हैं, तो हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया ये बनते हैं। और इसके बाद हम और पकौड़े बनाएंगे, तो इसी तरह से हम एक के बाद एक सारे ही पकौड़े फ्राई कर लेंगे। और इससे पहले भी हमने हरे धनिए की चटनी हमारे चैनल पर शेयर की है, जो समोसे कचौड़ी के साथ खा सकते हैं पकौड़े के साथ, तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अब ये फ्राई हो गए तो इन्हें हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे आलू और प्याज के पकौड़े बनके तैयार हैं। अब हम टमाटर के पकौड़े बनाएंगे, ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इन्हें हम इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। और यदि आपको लग रहा है कि टमाटर सही तरह से नहीं कट हो रहा है, तो थोड़ी देर आप फ्रिज में भी इन्हें रख सकते हैं। और इसके बाद हम जो हमने चटनी ली थी वो इस तरह से लगा देंगे। और जब आप ये वाले पकौड़े खाएंगे तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक बार आप इन्हें भी ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से हम बना लेंगे। और आप चाहें तो इन्हें भी सैंडविच की तरह बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। और इसमें हमने आलू प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। और इन्हें आप टिफ़िन वगैरह में रख देंगे तो बच्चों को अलग से चटनी वगैरह रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉस चटनी कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हें पकाते टाइम हमें गैस को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर रखना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं। और ये एक साइड से फ्राई हो गए तो हम पलट कर निकाल लेंगे। हमारे टमाटर वाले पकौड़े बन के तैयार हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे और हम प्याज वाले पकौड़े बनाएंगे। तो प्याज को लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है और इन्हें हमने बेसन में कोट कर लिया है। और इन्हें फ्राई करते टाइम हमें गैस को लो मीडियम फ्लेम पर रखना है। और प्याज के लच्छे वाले पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। और हमने सारे ही पकौड़े में एक ही बैटर इस्तेमाल किया है। और इस तरह से आप प्याज के लच्छे वाले पकौड़े बनाएंगे तो सभी को बहुत ही पसंद आएंगे और ये एकदम क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो एक बार ये अलग तरह के पकौड़े ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर सारे ही तरह के पकौड़े बनके तैयार हैं और बहुत ही बढ़िया बने हैं। और इस तरह से आप अलग अलग तरह के पकौड़े बना सकते हैं जो सभी को पसंद आते हैं। और एक ही बैटर से आप सारे पकौड़े बना सकते हैं, तो आपको यहाँ पर अलग से बैटर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लच्छे वाले कितने क्रिस्पी और कितने बढ़िया पकोड़े बने हैं। और जिसको जो पसंद हो वो वाले आप घर में बनाकर खिला सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको कट करके दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया इनकी लेयर आई है। और ये इसमें जो चटनी बनाते हैं उसका तो टेस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स।